अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। और मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस आलम की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ये शामी कबाब। इसमें मैंने उबाल लिया है ये कीमा, चने की दाल, गरम मसाला, हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था मैंने, और नमक। अब मैं इस दाल को यहाँ पे है ये मिक्सी मिक्सर ग्राइंडर, इसमें मैं मिक्स पीस लूँगी। और फिर पीसने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ आगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये दाल पीस ली है और मेरी ये थोड़ी सी दाल बची है, मैं ये भी पीस लूँगी इसमें। और आप लोग सोचते होंगे कि मैंने आपको ये उबाल, जब मैं उबालने के लिए रख रही थी तब क्यों नहीं दिखाई। तो मैं आपको बता दूँ, ये मैंने सुबह ही उबाल ली थी क्योंकि मैंने सोचा था दोपहर में बना लूँगी, बट हमारी एसी जो थी, ये देखिए हमारी एसी ख़राब हो गई थी अंदर से, पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम आ गया था। तो इस वजह से फिर हमने इसे, मैंने दोपहर में ही रोक दिया। वो एसी वाले भैया आ गए थे और मैंने, वो उसमें लग गए थे आलम भी, तो वो फिर क्या कहते हैं, मैंने खिचड़ी बना ली, भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो मैंने ये रोक दिया था। इसमें ज़्यादा देर लगती है इसलिए मैंने खिचड़ी बना ली थी फटाफट, और ये मैंने सोचा शाम को बना लूँगी। तो मैं इसलिए सॉरी इसके लिए मैं आपको ये दिखा नहीं पाई। अब मेरी थोड़ी सी दाल रह गई है, ये भी आपको पीस के दिखाती हूँ, फिर हम आगे का इसका प्रोसेस करेंगे, ठीक है। मेरी दाल पीस गई है, मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, एक बारीक कटी अनियन बारीक ले ली है। यहाँ पे मैंने पूरी एक अनियन को चॉप किया है, और यहाँ 4-5 हरी मिर्च ले ली है मैंने, वो काट के डाल दिया है। गर्म मसाला मैंने पहले साबुत डाल दिया था जो मेरी दाल के साथ पीस गया है। और अब मैं इसमें एक अंडा फोड़ के डालती हूँ, उससे जो हमारे कबाब हैं ज़रा अच्छे फूले फूले हो जाएंगे। यहाँ देखिए मैंने एक अंडा भी फोड़ के डाल दिया है इसमें चारों तरफ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर आप लोगों को कबाब बन जाएंगे तब दिखाऊंगी। थोड़ी देर फ्रीज करके रख दूँगी ताकि ये मेरी दाल में जो थोड़ा मॉइस्चर है वो इसका पानी सूख जाए। फ्रीजर में रखूँगी सॉरी 10-15 मिनट, और फिर उसके बाद आपको कबाब बना के फिर दिखाऊँगी।